तो देखिए वहाँ पे एक चर्च है, बेसिकली गोवा में तो चर्च तो मिलेंगे ही। तो अभी हमें जाना है एक्टिवा 4G पे पेट्रोल भरने के लिए। ये रास्ता जाता है कोलंगुट, ये टू सालगांव, सालगांव के बाद टूवर्ड NH-17, इट्स अ नेशनल हाईवे और हमें जाना है पेट्रोल पंप। हियर वी गो। फाइनली वी आर इन नॉर्थ गोवा। सो बेसिकली प्लान ये है कि वी आर इन कॉन्डिलिम बीच। तो मैंने एक्चुअली एग्जेडिया KTM के लिए ट्राई किया था, नहीं मिला। आई गॉट स्कूटी, डजंट मैटर, मुझे वैसे भी नॉर्थ गोवा पर करना। तो प्लान इज लाइक फ्रॉम माई हाउस, आई मीन फेरनिया मिला, दिस इज माई रूम सो फार राइट नाउ। यहाँ से फोर्ट अगोड़ा जाऊँगा, दैट इज 7 किलोमीटर, अप्रोक्स 15-20 मिनट लगेगा। उसके बाद ऑब्वियसली पेट्रोल भरना है। फोर्ट अगोड़ा जहाँ पे लाइट हाउस है, उसके बाद सेंक्रियम बीच और सेंक्रियम फोर्ट भी है, डेफिनेटली आप देखिए वो चीज़। उसके बाद फिर से आई बीन कॉन्डिलिम बीच और उसके बाद एक ब्रेक लेके मुझे जाना है कोलंगुट बीच, जिस वन ऑफ द बेस्ट एंड बिगेस्ट अट्रैक्शन ऑफ गोवा, नॉर्थ गोवा स्पेशली। देन बागा बीच, बागा बीच में मुझे टिकूस पे जाना है, दैट इज इन इवनिंग आई गेट डिस्को एंड दैट्स इट। दो जगह मुझे खाने के लिए रुकना है, वो आपको मैं बीच बीच में बता दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सो गाइस, दिस इज फेरनिया विला, आई एम स्टेइंग हियर, दिस अ पार्ट ऑफ नॉर्थ गोवा एंड नॉर्थ गोवा इज हेवन सीरियसली। इफ यू आर इन अ बजट, यू आर अ बजट ट्रैवलर, देन इन बजट ऑल्सो यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ विलाज। दिस आर यूज विलाज एंड इसका जो भी प्राइस है वगैरह वो फ्लैक्चुएट होता है, बट आई टेल यू ऑल दी थिंग्स। मेरा बाइक का पे तो देखिए वहाँ पे एक चर्च है, बेसिकली गोवा में तो चर्च तो मिलेंगे ही। तो अभी हमें जाना है एक्टिवा 4G पे पेट्रोल भरने के लिए। ये रास्ता जाता है कोलंगुट, ये टू सालगांव, सालगांव के बाद टूवर्ड NH-17, इट्स अ नेशनल हाईवे और हमें जाना है पेट्रोल पंप। तो चलिए गोवा पेट्रोल पंप ढूंढते थोड़ा सा। यहाँ वहाँ के रास्ते बहुत अच्छे हैं यहाँ के, और एक्चुअली जाना है हमें अगोड़ा फोर्ट, फोर्ट अगोड़ा जहाँ पे लाइट हाउस है, बट पेट्रोल रहेगा तो ही तो जा पाएंगे ना। हाँ मिल गया। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे पेट्रोल पंप है। मेक श्योर कि जब भी आप बाइक चलाएंगे, स्पेशली स्कूटी चलाएंगे, तो आप इंडिकेटर दो, ताकि लोगों को पता चले कि हमें जाना है राइट मारना है। क्योंकि गोवा में कैसा होता है, लोग बस मस्ती और मज़ा करने आते तो ये सब भूल जाते वो लोग, और मैं ना बोलूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ ये देखिए जो लाइट आ रहा है वो बताता है कि हमें राइट मारना है, इनको भी पेट्रोल भरना है शायद। तो ओह चलिए शुरू करते वाला। हाँ हॉर्न दीजिए। ये बस क्यों पेट्रोल भरने आ रहे इधर? गोवा में पेट्रोल बहुत सस्ता है, दो चीज़ों के लिए गोवा बहुत अच्छा है, दारू और पेट्रोल, मतलब दोनों भी लिक्विड बहुत सस्ता है यहाँ पे। ओ बुलेट क्लासिक 350 मार डाले सैया, टू व्हीलर दिस वे। आ जाओ। अच्छा ये लोगों को मराठी आती कि नहीं मेरे को नहीं पता।
तो मैप देखे तो 6 मिनट दिखा रहा है, 2.7 किलोमीटर। मेरे सामने है ताज, यहाँ पे है सेंक्रियम जो हम बाद में जाएंगे, अभी जाना है हमें फोर्ट अगोड़ा। तो ताज फोर्ट अगोड़ा रिजॉर्ट एंड स्पा गोवा, वेलकम टू गोवा सिंगम, वेलकम टू गोवा वाला सेंक्रियम बीच वहाँ पे है, हमें जाना है बाद में, उसके पहले है अगोड़ा फोर्ट। फोर्ट अगोड़ा जाने के पहले छोटा सा स्पीड ब्रेकर, और इस प्रकार हमारे आगे को एक गाड़ी गई है, इस गाड़ी को हमें हराना हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम है मुंबई के, नॉट मुंबई कर बट मुंबई के, और हमने इस तरह से गाड़ी को हरा दिया और हमें फिर भी आगे बढ़ना है। लिवारे हमारे पास स्कूटी हो, लेकिन हमारे पास वही खुशबू, वही महक, और वी आर इन टू गोवा सिंगम, हियर वी गो। हाँ अच्छी है गाड़ी, स्पीड भी दे रही है थोड़ी सी, ये मध्यस गाड़ी वाली थाम। अब ये कौन सा रास्ता है, मेरे ख्याल से मुझे लगता है फोर्ट अगोड़ा, फोर्ट अगोड़ा। हाँ ये है कि ये है, नो एंट्री लिखा है, देख दो, नो एंट्री है, नो एंट्री है, ये रहेगा ये। अब फॉलो मी। तो मेरे बाजू में आपको पानी दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ हरियाली। अरे फिर से गाड़ी वाला आके गया यार, ऐसा थोड़ी चलता है यार। हम लोग भी गोवा में आए हैं, स्पीड ब्रेकर होने के बावजूद भी हमें उसे कवर करना होगा, तुझको करना होगा। एक मिनट थाम जरा से, हाँ ओके इट्स गुड, चलेगा। अरे फिर से स्पीड ब्रेकर, अच्छा है एक्चुअली, स्कूटी पसंद नहीं है यार। हाँ तो हमें फिर से एक बार जीत का मुकुट पहनाइएगा, क्योंकि हम चुके हैं जीत दूसरी बार, हमें जीतना ही होगा। बाजू में क्या है, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज दैट, बट दो बार एक ही बाइक को हराने के बाद हम लोग सेकेंड टाइम विनर हो चुके हैं। बस हम लोग के कैटेगरी में है नहीं, हम लोग सिर्फ बाइक वालों को हरा सकते हैं, या बाइक वालों से हर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार फॉरनर्स का स्वागत है इन आवर ग्रेट कंट्री इनक्रेडिबल इंडिया। हाँ तो यहाँ पे है पार्किंग नहीं, हाँ तो अगोड़ा फोर्ट की तरफ ही हम है। अब थोड़ा सा वो बस वाला, ये रास्ता पक्का नहीं होगा, इसके पहले मैं 4 बार आ चुका हूँ ये फोर्ट, तो जो भी है जैसा भी है ऐसा ही है। ओ मतलब खड्डा था। तो गाइस ये है सेंक्रियम बीच, बीच एक्चुअली वहाँ पे है, देख सकते हैं सबसे खूबसूरत बीच मेरे हिसाब से नॉर्थ गोवा में वही है, मैं आपको पूरा डिटेल्स दिखाता हूँ बाद में। बट ये है फोर्ट, एज यू ऑल नो दैट आई एम अ हिस्ट्री लवर, तो ये तो बनता ही था। आप देखिए ना कितना खूबसूरत है, मतलब देयर इज नो वाटर। यहाँ से जाएंगे तो हम लोग ट्रैकर करके, यस तो चलते हैं थोड़े से ऊपर से। ये है सेंक्रियम फोर्ट, बेसिकली एक वॉच टावर था, मतलब पोर्तुगीज़ का जो भी व्यवहार होता था यही से होता था, और यहाँ से आप गोवा पे ध्यान रख सकते थे, पूरे गोवा पे। ये नॉर्थ साइड है, उस तरफ है महाराष्ट्र। पानी देखिए ना कितना खतरनाक है। रिसेंटली आई वेंट टू मालदीव्स, बट गोवा गोवा मेरे लिए बहुत सस्ता है। तो ये है बीच, हाँ अगर आप देख रहे हो तो सेंक्रियम, उसके बाद वो है कॉन्डिलिम, उसके बाद कलंगुट, उसके बाद बागा, उसके बाद अंजुना, उसके बाद वेगटर, और वो जो आखिर में ग्रीन है वो है चापुरा। तो ये पूरा नॉर्थ साइड है।
Hi guys. All things are going good, all things are going great. Energetic atmosphere. Like you can see behind me, Mambo. Yes, I'm in Mambo. It is in Baga, Tito's famous lane. जैसे हमारे में बैठ रहा और कार में पॉप्स और डिस्को थे वैसे बागा में है. Couple entry free है. I'll just show you how to dance now. सबसे फेमस अगर कोई लेने तो है टीटोज लेन. टीटोज लेन के पीछे अगर आप जाएंगे थोड़ा सा इंक्वायरी करेंगे तो आपको बहुत सारे डिस्कोस पब मिलेंगे. मैं आपको सारी डिटेल बाद में दूंगा क्योंकि मुझे पता है बहुत ब्लैकआउट आता रहेगा, बट स्टिल इट्स इम्पोर्टेंट. ये फ्लोर है 10 बजे के बाद यहाँ पे विसर्जन हल्दी बिल्दी सब होने वाला है. मैं उसमें शामिल रहूँगा और मैं इसका आपको प्रॉमिस करता हूँ. अबाउट दी एंट्रीज एंड ऑल आपको बाद में बताऊँगा. सो थोड़ा रुकते